दोस्तों नमस्कार। मैं अपने पिछले वीडियो में विद्यार्थियों के लिए एक मेडिसिन बताया था, विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें काली फास नाम की एक मेडिसिन मैंने बताया था। आज मैं विद्यार्थियों की दशा मैं देखता हूँ जो खासकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कंपटीशन होता क्या है? आप सब जानते होंगे साधारण चीज़ है कंपटीशन। कंपटीशन का युग है, कंपटीशन है जैसे आप किसी मैदान में 10-20 आदमी आप खड़े हो गए एक लाइन में और कोई कहे भाई दौड़ो, कौन आगे निकलता है, एक दूसरे से आगे कौन निकलता है, तो ये कंपटीशन है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं, जो सबसे आगे निकलते हैं उसके बाद कुछ लोग रहते हैं, ये कंपटीशन है। आज के युग में नौकरियाँ कम होती जा रही हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग यही कहते हैं। अब वास्तविकता भी है, विद्यार्थी बेचारे कितनी मेहनत करते हैं उनका दोष नहीं है। कुछ विद्यार्थी को मैं छोड़ देता हूँ जो इधर उधर टहलने वाले होते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कितना टेंशन है आज विद्यार्थियों के ऊपर, कितना लोड है। एक छोटी मोटी नौकरी के लिए लोग कितना कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपने हमारे उम्र के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे ज़माने में कोई प्राइमरी के टीचर के लिए इलाहाबाद या कहीं जाकर कंपटीशन की तैयारी करता था कि हमारा प्राइमरी के टीचर में हो जाएगा कंपटीशन में। अब दो तीन साल प्राइमरी के टीचर के लिए टेट ऐसी जो परीक्षाएं आ रही हैं उसकी लोग तैयारी कर रहे हैं। IAS और PCS को छोड़ दीजिए, इतना कंपटीशन हो गया। आज का वीडियो मैं अपने विद्यार्थी दोस्तों के लिए दो शब्द बोलूँगा और आज का वीडियो उनको समर्पित है। हर आदमी की अपनी एक बौद्धिक क्षमता होती है, तर्क और बौद्धिक क्षमता हर आदमी को बराबर नहीं होती। हर आदमी इंडिविजुअल होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से एकदम भिन्न होता है, सिमिलर नहीं होता। उसकी बौद्धिक क्षमता एक आदमी की दूसरे आदमी की बराबर नहीं होती। परिश्रम करने से थोड़ा बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और ज़्यादा परिश्रम करने पर वो बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे मतलब एग्जॉस्ट होने लगती है। कल्पना करो जैसे मतलब कोई IAS और PCS की तैयारी कर रहा है दिल्ली में या इलाहाबाद में, 4-5 साल से लगातार 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा है, एक संघर्ष कर रहा है, मतलब एक ही दिशा में एक संघर्ष कर रहा है, दूसरा नहीं, सब भूल करके मुझे ये करना है। और उसमें सीटें कितनी होती हैं? लिमिटेड सीटें होती हैं, तो लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन होगा ना। अब जरा आप सोचिए, मैं ऐसे विद्यार्थियों को कुछ हेल्प करना चाहूँगा। मैं क्या होम्योपैथिक ऐसे विद्यार्थियों की थोड़ा हेल्पफुल है होम्योपैथिक दवाइयाँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि हर आदमी की मतलब एक क्षमता होती है, बौद्धिक और तर्क करने की एक क्षमता होती है। अगर 8-10 घंटे कोई विद्यार्थी 4 साल लगातार एक ही दिशा में काम पढ़ रहा है तो उसका दिमाग जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है तो अपने दिमाग को किसी एक विषय पर केंद्रित वो नहीं कर पाता और जो उसके विचार आते हैं वो मतलब वो प्रकट नहीं कर पाता। लिखना होता है अपने विचारों को जो दिमाग में आता है परीक्षा के काल में, तो वो प्रकट नहीं कर पाता, उसका दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है। इसे ब्रेन फॉग की स्थिति कहा जाता है मेडिकल साइंस में। और ये ब्रेन फॉग जो होता है ये दिमाग की एक स्थिति होती है, ये कोई दिमाग की बीमारी नहीं है, दिमाग की एक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में पढ़ने से अरुचि होने लगती है, जो पढ़ा जाता है वो भी मतलब याद नहीं होता, वो अपने बौद्धिक और तार्किक जो क्षमता उसकी होती है, जो उसकी सीमा होती है उससे ज़्यादा प्रयास कर रहा है,
एक सीमा जो है उसके ज़्यादा वो प्रयास कर रहा है और सीमा लाग चुका है। ऐसी स्थिति में ये दवा, ऐसी पिकरी की दवा है, ये बहुत ही लाभदायक करती है, विद्यार्थियों की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और ये दवा जो है एक दो महीना लेना चाहिए। इससे पूरी एनर्जी ब्रेन में एक बार फिर विद्यार्थी के अंदर आ सकती है। ऐसे विद्यार्थियों के कुछ लक्षण होते हैं, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे मतलब वो खड़ा होता है, कुछ समय तक अगर खड़ा रहे तो चक्कर आने लगता है, शरीर में झुंझुनाहट होती है, सर दर्द होता है जो यहाँ से चालू हो करके पीछे गर्दन तक, स्पाइनल कार्ड तक चला जाता है, भूख कम हो जाती है और सोचने का और तर्क शक्ति जवाब देने लगती है। केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, कोई मतलब मानसिक काम कर रहा है वो ओवरलोड कर रहा है, अपनी बौद्धिक क्षमता से ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है। आप सोचिए मतलब दिमाग क्या करता है, दिमाग सोचता है, हाथ जो है लिखने का काम करता है, जीभ बोलती है, बोलने का काम करती है। अगर किसी आदमी को आप कहो कि 4 घंटे लगातार आप बोलते रहिए तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? उसकी एक क्षमता है, एक लिमिटेशन है, एक मतलब सीमा होती है। जब उसके आगे वो कोशिश करता है तो मतलब ये स्थिति आती है और दिमाग का भी ये स्थिति आती है। तो मैं उन विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूँगा जो मतलब लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं, 8 घंटा 10 घंटा किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है तो इस स्थिति में पिकरिक एसिड उनकी बहुत अच्छी दवा है। उनको उनका डियर फ्रेंड मान लीजिए, प्रिय मित्र है, इसको सुबह शाम 2-2, 3-3 बूंद थोड़े से पानी में ले करके 1-2 महीना लेने के बाद, और थोड़ा ब्रेक कर लो पढ़ाई का, 1 महीना ब्रेक ले लो, इस स्थिति में पुनः आपका दिमाग जो है ऊर्जावान हो जाता है और पढ़ने लायक हो जाता है, तर्क शक्ति और बौद्धिकता जो है वो बढ़ने लगती है। ये पिकरिक एसिड विद्यार्थियों का दोस्त है, होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका में विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी दवा मेरे अनुभव से ये है। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से छोटी सी अपील है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले संडे को ऐसी एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।